भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही श्री जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंत को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जग पंच को सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घन श्याम यही श्री राम यही घन श्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, ऊपर पूरा गौरव करुणावतारम संसार सारम बुझ गए तगार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैतम नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च द्रवणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे। कर्पूरनीरांजलिं समर्पयामि, आराध्यं समर्पयामि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पादि देवनामरुक्यार्ते आत्मादि वन्दनं मन्त्र तुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। इति कामना सिद्ध्यर्थे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, श्री रामचंद्र भगवान की। सज्जनों, मैं इस पुनीत अवसर पर यज्ञनारायण भगवान की स्वस्ति श्री गणेश ज्ञानस्वरूपम् च हरे रदीनम् शरीर संयोग प्रतिदेह विन्यम्
ज्ञाते तिवन्तम् वंशी विभूषित कर नवनीरदाभत पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूरणे दोषुंदर मुखादर विंद नेत्र कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहो न जाने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय मखन चोर राधा राधा श्री राम राधा मेरे स्वामिनी मेरा दे जो को दास जन्म जन्म मो को दीजियो श्री व्रज वृंदावन वास शब द्वार निको छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे ब्रशभान किलाड़ देख मेरे ओर नैक मेरी ओर निहार बोलिए श्री वृंदावन बिहारी दार की जय श्री राजा राम चंद्र भगवान की जय श्री शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री संत समाज की श्री विप्र समाज की श्री भक्त समाज की जय
आइए बड़े ही भक्त और श्रद्धा के साथ दो मिनट भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कृष्ण कथा का रस स्वादन करेंगे। राधे तेरे चरणों के श्यामा तेरे चरणों की चरणों के राधे तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए राधे तेरे चरणों की राधे तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की श्यामा तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए धूल जो सच कहता पूरा है सच कहता पूरा है वो सच कहता पूरा सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए राधे तेरे चरणों की श्री राधे हरे 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 नजरों से गिराना चाहे इतनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे इतनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे इतनी सजा देना नजरों से गिराना चाहे जितनी सजा देना चाहे जितनी सजा देना नजरों से जो गिर जाए नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए मुश्किल ही संभल पाए सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए सच तेरे चरणों की
जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैं राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है। सुनते तेरी रहमत दिन रात बरसती है, दिन रात बरसती है। बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, दिल की कली खिल जाए, दिल की कली खिल जाए। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मैं राधे, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों के, तेरे चरणों के श्यामा, तेरे चरणों के श्यामा, तेरे चरणों की यदि धूल जो मिल जाए। सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की राधे। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक
ऐसे नहीं, जरा ताली सेवा करते हुए। आप तो सभी राधा रानी के भक्त हैं, आवाज आपकी तालियों की मुझ तक आना चाहिए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने। सच कहता हूँ राधे, तकदीर बदल जाए, सच दे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के, श्यामा तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के, राधे तेरे चरणों के। प्रातःकालेश्वर प्रातःकालेश्वर अकारण करुणा वरणालय तड़ित विनिंदित पीतांबर धारे भक्त वंश कल्पतरु निर्विकार निर्विशेष निरीह भगवान श्री कृष्ण की वाग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण और ये श्रीमद्भागवत महापुराण का आज सप्तम दिवस है। श्री गौरी गणेश श्री लक्ष्मी नारायण श्री शिव पार्वती श्री ब्रह्मा ब्रह्माणी श्री शचि इंद्र श्री गाम के देवता वास्तु देवता स्थान के देवी देवता कुल के देवी देवता सिद्ध महाराज सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस यज्ञ के यज्ञकर्ता पूज्य महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। इस यज्ञ में पधारे हुए समस्त संतों के चरणों में प्रणाम। इस यज्ञ में वर्णित समस्त विद्वान ब्राह्मण इस विराट आयोजन के मुख्य यजमान के रूप में मध्य प्रदेश शासन राज्य मंत्री राव ब्रजेंद्र सिंह जी यादव सपत्नीक सपरिवार इस यज्ञ में वर्णित समस्त यजमान दूर दराज से आए हुए समस्त कृष्णानुराग श्रोताजन वंदनीय माताएं भवें। कल के प्रसंग में हमने वर्णन किया था गोवर्धन लीला का वर्णन। गोवर्धन का अर्थ क्या होता है? गौ माने होती है इंद्रियां और वर्धन यानी होता है वश में करना। इंद्रियों को वश में करने की लीला को ही गोवर्धन लीला कहते हैं। अब आपकी इंद्रियां भजन करने से अपने वश में होती हैं कि परिक्रमा लगाने से वश में होती हैं कि कीर्तन करने से वश में होती हैं कि हवन करने से वश में होती हैं। अब ये आपको निर्णय करना है कैसे आपकी इंद्रियां अनुकूल होती हैं आपकी। एक गौ मन होती है गौ माता और वर्धन यानी होते ही बढ़ाना। गाय को बढ़ाना ही गोवर्धन पूजा है।
गाय की पूजा तो हम लोग करते नहीं, गायों को हम लोग बढ़ाते नहीं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए जरूर जाते हैं। मैं कहता हूं जो गाय को बढ़ाता है, जो गाय की पूजा करता है, वो अपने जीवन में एक भी बार भी गोवर्धन नहीं जाएगा तो चलेगा। वो गोवर्धन वाला स्वयं उसको आकर के दर्शन यहाँ पर देगा, क्योंकि गौ की पूजा करने लगा है, गायों को बढ़ाने लगा है। हमारी परिस्थिति पता है क्या बन गई? चोरी करत निहाई की सोई का करते दान, ऊपर चढ़ कर देखते कितनी दूर विमान। चोरी तो न्याय की करते, न्याय जानते ना हैं, लोहार के पास होती है, और दान करते हैं सुई का, और फिर छत पर देखते हैं विमान अपने ही लिए आ रहा होगा। गोवर्धन में ब्रजवासियों ने प्रसाद लिया, लौट करके श्री धाम वृंदावन आए। सुखदेव जी कहते परीक्षित, गोपियां एक बड़ा सुंदर व्रत करती हैं। हे मन्ते प्रथमे माश नंद व्रज कुमारिका चेरु हर हिष्य भुम्यानाम कात्यायनी अर्चनम व्रतम। कई लोग कहते महाराज व्रतों का आजकल कलयुग में फल नहीं मिलता, जितना सतयुग में फल नहीं मिलता था, जितना त्रेता में फल नहीं मिलता था, जितना द्वापुर में फल नहीं मिलता, उससे सौ गुना फल कलयुग में व्रत का मिलता है। लेकिन हमको व्रत करना नहीं आता, हमको व्रत के नियमों का पता नहीं, व्रत कैसे किया जाता था, व्रत कैसे करना चाहिए पता नहीं है। गोपियां कैसे व्रत करती हैं? केवल एक समय भोजन लेते हैं और दूसरे समय तो सजनों मुख भी झूठा नहीं करते। और हम लोग जिस दिन एकादशी होती ना, उस दिन सुबह से ही चालू हो जाते हैं, दूध ले आओ बादाम वाला, अब चाय ले आओ, अब थोड़ी भूख सी लग रही है, एक काम करो थोड़ा सा मुंह चटपटा हो जाए, कुछ चटपटा खिचड़ी वगैरह बनाओ। अब सोने का समय आया, बोले रात्रि में नींद नहीं आएगी, कुछ और होता। एक सज्जन कल बोलने लगे थे, महाराज जी अगर कहीं हमने कल तुरंत भोजन नहीं किया तो द्वादशी हम नहीं देख पाएंगे। तुरंत भोजन चाहिए, नहीं द्वादशी नहीं देख पाएंगे। इंद्रियों को संयमित करो, इंद्रियां जो मांगती हैं वो वस्तु नहीं, हम जो चाहेंगे वो इंद्रियों को हम देंगे। अब देखिए भागवत में कितना सुंदर विवेचना की है। हे मन्मते प्रथमे मासे नंद व्रज कुमारिका चेरु हर विश्व भुञ्जानाम कात्यायनी अर्चनम व्रतम। गोपियां व्रत तो करती हैं और पता है मैया से क्या मांगती हैं? कात्यायनी मैया से ये नहीं कहती कि हमारा धन खूब बढ़े, ये नहीं कहती कि हमारा पुत्र सुखी रहे, ये नहीं मांगती कि हमारी पुत्री सुखी रहे, हमारा बिजनेस खूब चले। पता है क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमा। अरे मैया अगर आप हमारे व्रत से संतुष्ट हैं, आप हमारी पूजा से संतुष्ट हैं, तो कृपया करके एक ही वरदान देना मैया कि जो नंद का लाला है वो हमसे कभी रूठा ना करे, वो हमसे कभी अप्रसन्न ना रहे, सदैव प्रसन्न बनता रहे, सदैव मुस्कुराता रहे। भगवान को मांगती कन्हैया ने सोचा ये निष्काम भक्ति करती है तो बहुत अच्छा। अच्छा निष्काम भक्ति बहुत कम लोग करते हैं, सकाम भक्ति लोग ज्यादा करते हैं।
बहुत अच्छी बात है निष्काम भक्त, लेकिन इनकी जो स्नान करने की पद्धति है इसमें सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ये निर्वस्त्र स्नान करते हैं। एक दिन आकर के समझाने लगे, अरे गोपियों तुमको शोभा नहीं देता, ये निर्वस्त्र होकर के यमुना में स्नान करती हो। गोपियां कहने लगी, हमारे सामने जन्म भयो है और हम कोई ज्ञान देवे के ताई आए हो, हैं बहुत ज्ञानी बने बैठे हो, हम तो ऐसे ही ना का कर लोगे, और उस समय थोड़ी कोई रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में हम आती है स्नान करने। कन्हैया ने सोचा ये ऐसे नहीं मानेंगे। दूसरे दिन जब गोपियां स्नान करने के लिए गईं, वस्त्रों को रखा किनारे पर, स्नान करने लगी। मेरे कन्हैया ने समस्त गोपियों के वस्त्रों को उठा करके अपने कदम पर टांग लिया। एक गोपी कहने लगी, अरे सखी हमको मैया की पूजा भी करनी है, चलो। दूसरी कहने लगी, चलें तो जब जब वस्त्रों कहां गए, बुलबोदे को कदम पर टंगे। अब उस जलाशय में तीन स्वभाव की स्त्रियां हैं। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तवोदित देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचित राज्य प्रवामहे। अच्छा, एक हैं संत स्वभाव की, तो संत स्वभाव की गोपियां यानी ब्राह्मण स्वभाव की, वो क्या कहते हैं, देही पाशांशी धर्मज्ञ। अरे कन्हैया तुम तो धर्म के वेता हो, तुम तो धर्म के अवतार हो, और धर्म अवतार को ये शोभा नहीं देता किसी गोपी के वस्त्रों को चुराना, हमारे वस्त्रों को लौटा दो। अच्छा, दूसरी है वैश्य स्वभाव की, बोल करवाम तबोदितम। अरे कन्हैया जो आप कहोगे वो हम करेंगे, कृपया करके हमारे वस्त्रों को लौटा दो। अच्छा, तीसरी है क्षत्रिय स्वभाव की, तो ब्राह्मण तो शास्त्र के अनुसार बात करता है और वैश्य झुक करके बात करता है, लेकिन क्षत्रियों को तो फिर तुरंत क्रोध आ जाता है। हाँ, विनय नहीं है इनके अंदर, नवन नहीं है, बोले नोचे दरा के प्रभाव में हे हमारे वस्त्रों को लौटा दो, नहीं महाराज कंस से शिकायत कर देंगे। बोले कर देना, खास मामा जी हैं अपने। अरे तो नंद बाबा से, बोले खास बाबा जी हैं अपने। एक सखी कहने लगी, तुम नहीं जानते ये पूर्ण ब्रह्म है, इसके सामने तो हजार वस्त्र पहनकर चले जाओ तो भी निर्वस्त्र, और निर्वस्त्र हो तो भी वस्त्र सहज। एक एक गोपी सूर्य के समक्ष संकल्प लेकर के आती गई और वस्त्र लेकर चली गई। अब ध्यान देना, कई लोग इसको काम दृष्टि से देखते हैं। ग्वालियर मेरी कथा थी, एक पत्रकार महोदय आया, महाराज जी ये तो भगवान की कथा समझ में नहीं आई, क्यों? बोले कोई स्त्री स्नान कर रही है उसके वस्त्रों को चुराना ये तो स्त्रीण पुरुषों का काम है। देखिए, अगर हम साधारण दृष्टि से देखें तो भगवान श्री कृष्ण ने वस्त्रों का चारण किया था, उस समय उम्र थी उनकी मात्र 7। आज मैं समझता हूँ कलयुग का 7 वर्ष का बालक आप खड़ा कीजिए, कलयुग का 7 वर्ष का बालक नहीं जानता स्त्री के भेद क्या हैं, पुरुष के भेद क्या है। जब कलयुग का 7 वर्ष का बालक नहीं जानता तो द्वापर का बालक क्या जानेगा। ठीक है, बालक कीड़ा कीड़ा करते करते आया और वस्त्रों को टांग लिया, गोपियों ने मांगे तो रिटर्न कर दिया, तो संकट समाप्त। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने इन वस्त्रों को नहीं चुराया, ईश्वर रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और सतोगुण रूपी वस्त्र प्रदान कर दिए। इन वस्त्रों को नहीं चुराया, ध्यान देना, ईश्वर रूपी कृष्ण ने जीव रूपी गोपियों के अविद्या रूपी वस्त्रों को चुराया और सतोगुण रूपी वस्त्र प्रदान कर दिए, तो संकट समाप्त। तीसरा, समरथ को नहीं दोष गुसाए, 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 रवि पावक शुभ शर की नाई, रवि पावक शुभ राधे की नाई,
शाम रात को नहीं दोष गुसाई, शाम रात को नहीं दोष गुसाई। जो समर्थ होता है सजनों उसको दोष नहीं लगता। कैसे? इसको ऐसे समझो, 12 वर्ष पहले हरिद्वार में कुंभ लगाता था, उस कुंभ में हम कथा करने के लिए गए थे। अब गंगा जी में स्नान करने के लिए गए, और जैसे ही गंगा में स्नान करने गए, स्नान करके हमने एक कटोरी में 300 ग्राम गंगा जल ले लिया ठाकुर जी को स्नान कराने के लिए। 300 ग्राम गंगा जल ले लिया। प्रेम से गई, देखिए अगर इधर उधर आपकी नजरें जाएंगी तो कथा का बिल्कुल रस खत्म हो जाएगा। जोर से गई, तो 300 ग्राम गंगा जल मैंने रख लिया और वस्त्र पहनने लगा। इतने में क्या हुआ, 300 ग्राम गंगा जल में से 100 ग्राम गंगा जल एक सुअर पी गया। अब कितना बचा, 200 ग्राम गंगा जल। क्या उस 200 ग्राम गंगा जल से मैं संध्या वंदन कर सकता हूँ? क्या उस 200 ग्राम गंगा जल से मैं ठाकुर जी को स्नान करा सकता हूँ? नहीं करा सकता। क्यों? क्यों? वो तो गंगा जल है, फिर भी नहीं करा सकता। क्यों? क्योंकि कटोरी में गंगा जल का अंश है सज्जनों, अंश गंदा होता है। और जब मैं दूसरी कटोरी लेकर के गंगा जल भरने के लिए गया तो 20 सुअर मुझे डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए, फिर भी मैंने गंगा जल लिया, फिर भी मैंने आचमन कर लिया और फिर भी मैंने ठाकुर जी को स्नान करा दिया। बृहद कभी गंदा नहीं होता, अंश गंदा होता है। हम अंश हैं सजनों, हम गंदे हो सकते। अच्छा, परमात्मा कभी अपवित्र नहीं होता, इसलिए तो भागवत के आरंभ में सत्य की वंदना की गई है। सत्यम परम धीमे, किसी ने व्यास जी से पूछा कि परम क्यों लगाया? सत्य तो सत्य होता है, परम का मतलब तो ये हुआ कि सत्य की भी 3 श्रेणी हो गई, ऊपर वाला सत्य, बीच वाला सत्य और नीचे वाला सत्य। बोले नहीं, सत्य एक ही प्रकार का होता है। बोले फिर परम क्यों लिखा? बोले जिसके सामने करोड़ों असत्य जाएं और वो करोड़ों असत्य सत्य में परिणत हो जाए उसको परम सत्य कहते हैं। प्रेम से कही है, भगवान कभी गंदे नहीं होते। और बंसरी को छीन करके गोपियां लेकर के आई, मैया के चरणों में रख दिए। एक गोपी उस बंसरी से पूछने लगी, अरे बंसरी तू एक बात बतला कि अरे बांस की बांसुरी तेने कौन सुकारज की, तीन लोक के कृष्ण ने तो ही अधरों पे धरली। ए बंसरी, तूने ऐसा कौन सा सुंदर कार्य किया है जो कि गोविंद 24 घंटे तुझे अधरों पर रखे रहते हैं? हम इतना पाठ करते, इतना पूजा करते, इतना नियम करते, इतना संयम करते, लेकिन गोविंद हमको इतना प्रेम नहीं करते। तुमने क्या दान किया, क्या पुण्य किया, हमको बतलाओ। बंसरी क्या कहती, बहुत ध्यान देना, मैं भी पहले तुम्हारे जैसी हरी भरी थी, मैं भी पहले तुम्हारे जैसा भरा पूरा परिवार था। ये मनुष्य शरीर क्या है, बांस। मैंने पहले दिन इशारा किया था, इस मनुष्य शरीर रूपी बांस में ही 7 गांठ हैं, अविद्या, अहमता, ममता, राग, द्वेष, काम और क्रोध और लोभ, ये 7 गांठ हैं। मैं भी पहले तुम्हारे जैसी हरी भरी थी, लेकिन पता है पहले मुझे काटा गया, उठ काट करके मुझे 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 धूप में सूखने के लिए रख दिया। कई महीनों तक मैं सूख करके कृश हो गई। इतने पर भी नहीं माने, फिर एक लोहे को गर्म सूरा किया गया और मेरे अंदर चुभोया गया, उस सूरे से छेद किए गए और मेरे अंदर जो कचड़ा भरा था उस कचड़े को निकाल दिया। अगर तुम में भी कटने की ताकत है, तुम में भी जलने की ताकत है, तुम में भी कचड़ा निकालने का साहस है, तो तुम भी मेरे गोविंद के अधरों तक पहुंच सकती हो। प्रेम से कहिए, हम लोग क्या करते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते नहीं है और नंबर एक स्थान प्राप्त करना चाहते। ऐसा कभी होता है? जो प्रतियोगिता में भाग लेगा, जो दौड़ धूप सहन करेगा, वो नंबर एक स्थान प्राप्त करेगा। एक वीर
मेरे बांके बिहारी जी की जो मुद्रिका थी उसका नग कुछ ढीला पड़ गया और नीचे गिर गया। तो किसी स्वर्णकार के पास लेकर पहुंचे, महाराज ये बांके बिहारी जी की मुद्रिका है और इसका नग कुछ ढीला पड़ गया, आप ठीक करें। बोले सुबह ले जाना, अभी रात्रि का समय। उस मुद्रिका को तिजोरी में कितनी बड़ी सोने की ईंट थी उस पर रख दिया। अब रात्रि में वो सोने की ईंट उस मुद्रिका से पूछती है, अरे मुद्रिका तुझसे आकार में हम बहुत ज्यादा बड़े, तुझसे वजन में भी हम बहुत ज्यादा बड़े, तुझसे मूल्य में भी ज्यादा बड़े, लेकिन तूने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया कि तू बांके बिहारी जी की उंगली तक पहुंच गई और कई वर्षों से इस तिजोरी में सड़ने लगे हैं। पता है वो मुद्रिका ने क्या कहा, मैं भी पहले तुम्हारे जैसी सोने की ईंट थी, पता है पहले मुझे छेनी से काटा गया, फिर मुझे अग्नि में जलाया गया, फिर मुझे हथौड़े से पीटा गया। अगर तुम में भी कटने की ताकत है, तुम में भी जलने का साहस है, तुम में भी पिटने का साहस है, तो तुम भी मेरे बांके बिहारी जी की उंगली तक पहुंच जाओगे। कहो तो परमात्मा से कि मेरा है वो विंद, कभी हृदय से पुकारा है आपने, कभी प्रेम से पुकारा है गोविंद को, उसी समय मेरे कन्हैया प्रकट हो गए। अच्छा देखिए, आपके सामने ये ऑर्गन बज रहा है, ये कितना भी कम से कम खरीदें आप 50,000 से इसकी रेट प्रारंभ होती है। आपके सामने तबला बज रहा है, 15,000-20,000 रुपए से इसका शुल्क प्रारंभ होता है। ये पैड 50,000 रुपए से प्रारंभ होता है। अच्छा वंसरी खरीदने जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए की, और ज्यादा महंगी होगी तो 20 रुपए की, इससे ज्यादा महंगी वंसरी नहीं आती। इससे ज्यादा महंगी नहीं आती। अच्छा देखिए ये ऑर्गन एक सीट पर आप बैठे हो, एक सीट की जगह इसको चाहिए, ये तबले को चाहिए। अच्छा वजन में भी भारी है, पैसे में भी भारी है, और बंसरी वजन में भी भारी नहीं है, पैसे में भी भारी नहीं है। अच्छा बंसरी को तुम इधर रख लो, इस जेब में रख लो, हाथ में ले। ये ऑर्गन को एक स्वयं को जगह एक सीट इसको चाहिए, एक तबले को चाहिए, एक स्वयं को चाहिए, एक पैड को चाहिए, लेकिन वंशरी को जगह की जरूरत नहीं। हाथ में लो, यहाँ दबाओ, इस जेब में रखो। यानी भगवान कहना चाहते हैं कि जो भारी होता है वो मुझे प्रिय नहीं है, जो हल्का होता है वो मुझे प्रिय होता है। और मैंने एक दिन इशारा किया था, वजन व्यक्ति को हल्का बनाता है, वजन व्यक्ति को, वजन करते करते व्यक्ति हल्का हो जाता है, इसलिए तो उत्तर उत्तर ऊंचाइयों को छोने लगते। लोग कहते भैया वो बहुत ऊंचाइयों को छू, क्योंकि वजन करते करते वो हल्का हो गया इसलिए ऊंचाइयों को छूने लगे। प्रेम से कही, फिर वो जो करता है उसकी सराहना होने लगती है। अब हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारा झूला पर बैठना होगा और पूरे भारत में झूला चल जाएगा। करवाना थी मंत्री जी से, मंत्री जी कहने लगे अभी सिग्नल तो मिलते नहीं, चलो झूला पर बैठ करके बात करते हैं। और ऐसे झूला पर बैठे कि पूरे भारत नहीं विदेशों तक झूला पहुंच गया। हम खोकर तो जो परमात्मा से जुड़ जाएगा उसका जो भी कर्म होगा वो उत्तरोत्तर ऊंचाइयों को छूने वाला कर्म होगा, वो सबको प्रिय लगेगा। भगवान कहने लगे गोपियों मैं तुम्हारे व्रत से संतुष्ट हूं, लेकिन तुम्हारी इच्छा की पूर्ति मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि को करूंगा। आज धीरे धीरे करते करते शरद पूर्णिमा की रात्रि आती है। अच्छा सबसे अंधेरी रात्रि कौन सी होती पता है, वर्ष में एक बार पड़ती डॉक्टर साहब, कौन सी पड़ती, दीपावली की रात्रि, सबसे घनघोर रात्रि और सबसे उजियाली रात्रि होती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। आज मेरे गोविंद ने योग माया को बुलाया, बोले जितनी सुंदरता बिखेर सकती उतनी सुंदरता बिखेरो। भगवान पीताम रात्रि सरदोत फल मुल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रते। भगवान ने वंसरी को अपने अधरों पर रखा है और वंसरी
तो बहुत कम लोगों को पसंद होती है। सुनना तो सबको अच्छा लगता है लेकिन उसका पादन करना बहुत कठिन है। हारमोनियम बजाना सरल है, तबला बजाना सरल है, पैड बजाना सरल है, लेकिन सबसे कठिन या तो तार यंत्र है और फिर या बंसरी बजाना कठिन है सजनो। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब जय मंडल जी बहुत सुंदर राग सीख रहे हैं बंसरी में। लेके आए क्या आज? आए नहीं लाए? अरे आज तो लाना थी, बजाना थी, महाराज होने वाला है आज। और संयोग से आज दोनों सपत्नी का आए, आप कोई रुक्मणी कृष्ण बना देते दोनों को। प्रेम से कहिए, जोर से कहिए, वंशरी को अधरों पर रखा भगवान पीताम रात्रि शरदोत फल मुल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रते। योग माया से कहा सुंदरता बिखेर दो। योग माया ने हरी हरी हांस हजार प्रकार के पुष्प खिलने लगे, उन पर घोरा गुंजायमान करने लगे, मयूर नृत्य करने लगी है, दादुर बोलता है, चातक बोलता है, पपीहा बोलता है, पक्षियों की कललब की आवाज आ रही है और मोगरा की खुशबू महक गई, पूता पूरा वातावरण सौम्य हो गया, रम्य हो गया। और उसी समय मेरे कन्हैया ने बंसरी को अधरों पर रखा। और ध्यान रखना, जब कृष्ण अपनी बंसरी को अधरों पर रखते हैं तो ब्रह्मा जी की ताकत नहीं कि वो ब्रह्मलोक में रह सके, शिव जी का साहस नहीं कि वो शिवलोक में रह सके। बैणु गीत में गोपियां कहती कन्हैया या तो अपनी वंसरी को सुबह जल्दी बजा लिया करो या सायंकाल बजाया करो, ना तो रात्रि में बजाया करो ना दोपहर को बजाया करो। कन्हैया ने पूछा क्यों? बोले दोपहर को जब आप बंसरी को बजाते हैं उस समय हम भोजन पकाती हैं, आपकी वंसरी की आवाज को सुन करके हमारे जो चूल्हे में लगी हुई लकड़ी है ना उससे पानी चूने लगता है, चूल्हा धुआं देने लगता है, हम भोजन नहीं पका। गोविंद की वेणु में वो ताकत है, गोविंद वेणु मधु मत मयूर नृत्यम जड़ को चेतन कर देती है और चेतन को जड़ कर देती है कन्हैया की बंसरी, इतनी ताकत है। और जिस गोपी के कान में वो शब्द सुनाई पड़ा उस गोपी को ऐसा लगता है जैसा मेरा नाम लेकर के मुझे बुला रही है। एक एक ससुर जी को भोजन की थाली रखने जा रही थी गोपी, पतिदेव जी ने कहा गाय को भूसा भी रखना है, तो जो गाय को भूसा रखना थी वो तो रख दिया ससुर जी के सामने, और ससुर जी का जो भूसा था वो गाय के सामने रख के, भूसा ससुर जी के सामने और भोजन की थाली गाय के सामने। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी तो जो होंठों वाली चीज है उसको आंखों से और आंखों वाली चीज को होंठों से ऐसा पलस्तर करके गई। पलस्तर का मतलब समझती है ना? एक माताजी को क्रिकेट देखने का बहुत शौक था, बढ़िया पलस्तर करके और क्रिकेट देखने गई और होंठों से लाल लाल पेंट्स लगाती हैं आजकल की माता। अब इतने में क्या हुआ, क्रिकेट देखते देखते पानी बरस गया तो जो पलस्तर था वो पूरा धुल गया और होंठों से जो लाल पेंट्स लगा था वो भी पूरे मुंह पर हो गया। अब जल्दी से आकर के कुंदी खटखट बोले बेटा किवाड़ खोलो, और बेटा ने किवाड़ खोली और तुरंत बंद कर दिया। अरे मैं भीगने लगी हूँ बेटा जल्दी किवाड़ खोलो। बोले पहले परिचय दो कौन हो? अरे तुम्हारी माँ हूँ, पहचाना नहीं? बोले माँ नहीं लग रही, आप तो कोई चुड़ैल लग रही है। प्रेम से ऐसा पलस्तर होता है। आजकल मुझे समझ में नहीं आता, आजकल की माता बहने नख बहुत बढ़ाती है, भला आदमी तो उनके हाथ का भोजन करेगा नहीं जो माता बहने नख बढ़ाती है। अच्छा सूर्प नखा का मतलब जानते हो? सूर्प एव नखा, जिनके नख बड़े हो वो सूर्प नखा ही भतीजी माने अपने आप को। अब देख रही है कुछ माताएं तो कथा के बाद काट लेना। सुंदरता पलस्तर की नहीं, आचरण की होना चाहिए, व्यवहार की होना चाहिए सज्जनों।
अच्छा संतों को देखा होगा, लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी लंबी जटाएं, कितने सुंदर, छोटा सा बालक, किसी का भी काला, कलूटा, गोरा, भूरा, छोटा मोटा, पतला दुबला, क्यों? क्योंकि उसके अंदर विकार नहीं। एक बात आपको बताना है, जिस व्यक्ति के अंदर जितने ज्यादा विकार होंगे उतना कुरूप होगा, और जिस व्यक्ति के अंदर जितने कम विकार होंगे उतना ज्यादा सुंदर होगा। ये चेहरा बदला दे। अच्छा विद्युत विभाग वाले आते हैं आपके कमरे चेक करते हैं, क्या इस कमरे में कितनी लाइट जल रही है, इस कमरे में कितने कूलर चल रहे हैं, वो नहीं चेक करते, वो मीटर से समझ जाते हैं। ऐसे संत तुम्हारा ये मीटर देख करके समझ जाते हैं कि अंदर से इसके अंदर विषय कितने हैं और इसके अंदर भजन कितना है। ये चेहरा मीटर है तुम्हारा, ये सब बतला देता है, सब बतला देता है। तो गोपी जाने लगी, एक गोपी चलने लगी, पति ने रोक दिया, खबरदार तुम नहीं जा सकती। वो गोपी हिलकी भर करके रोने लगी, तुमको ये शरीर से प्रेम है, तुम शरीर को रोक सकते हो लेकिन आत्मा को नहीं रोक सकते। उसी समय उसने शरीर से आत्मा निकाल करके मेरे कने समक्ष पहुंच गए। सभी गोपियां जब पहुंची, कन्हैया ने देखा कि वृज की एक एक गोपी मेरे समक्ष आ चुकी है। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं क्वचित् ब्रूता गमन कारणम। पहले तो कहने लगे कन्हैया आओ गोपियो तुम्हारा स्वागत है, और फिर पूछने लगे ब्रूता गमन कारणम, किस कारण से आयो। गोपियां कहने लगी वारे कन्हैया पहले तो एक एक गोपी का वंशनी में नाम लेकर के बुलाते हो और फिर पूछते हो ब्रूता गमन कारणम। कन्हैया जूते को हंसने लगे भूल गया था, क्योंकि रजन्ये शाम घोर रूपा सत्व रूप निषेविता। अच्छा आज की सुंदर चांदनी की छटा को देखने के लिए आई होगी, देखनी अब लौट जाओ। तो राजा परीक्षित ने यहाँ पर शंका की है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, पहले तो बुला लिया अब जाने की बात क्यों करते हैं। भगवान देखना चाहते हैं, अगर थोड़ी सी ममता इनकी घर में होगी तो मैं लौटा दूंगा। ममता की खूंटी अगर इनके घर में बंदी है तो मैं लौटा दूंगा। एक एक चौबीस दिन बढ़िया भंग छान, और भंग छान करके मथुरा विश्राम घाट पे आकर के नौका में विहार करने लगे, और पूरी रात नौका चलाई, और सुबह जब लोग स्नान करने वाले आए, पूछा भैया जो कौन सो घाट है, बोले मथुरा को विश्राम घाट। चौबे जी कहने लगे नहीं नहीं नहीं, रात भर से मैंने नौका चलाई और विश्राम घाट से आगे नहीं बढ़ी। एक चौबे जी कहने लगे एक रात नहीं, 50 रात चलाओ तो भी नौका आगे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि नौका की रस्सी तो खूंटी से बंधी है, वो तो आपने निकाली नहीं, अकेले विहार करते रहे। आज सुखदेव जी कहते हैं और इधर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हारी ममता की रस्सी तुम्हारे परिवार से बंधी है, पिता पुत्र भाई बंधुओं से बंधी है, तब तक मेरे गोविंद कृपा करने वाले नहीं, और ममता की रस्सी को जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक गोविंद कृपा करने वाले नहीं है। अच्छा इनकी ममता तो घर में नहीं है। अब एक दृष्टांत सुनाते, बहुत ध्यान देना, ये राज प्रसंग चल रहा है, इसको राज पंचाध्याय कहते हैं। कन्हैया एक दृष्टांत सुनाने लगे, मातरम पितरम पुत्रम भ्रातयश्च बन्धवा। तुम जानती हो स्त्री के धर्म क्या होते हैं? बोले क्या होते हैं? बोले एक पतिव्रता स्त्री थी। भगवान सुनाने लगे उन गोपियों को, एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति बेचारा जंगल से लकड़ी काट करके लाता और बेचता, जीवन यापन करता। एक बार क्या हुआ, चिलचिलाती धूप पड़ने लगी थी, पति देव जी जंगल से लकड़ी काट करके आए, पसीने से लथपथ, पत्नी की गोदी में सर रख लिया और पत्नी अपनी साड़ी के पल्लू से ऐसे उनको हवा छल छल गई। उनको नींद आ गई थका होने के कारण। इतने में क्या हुआ, उनका एक छोटा सा बालक था, घुटों के भर चलते 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 अग्नि कुंड में जाने लगा। अब यदि वो पति को जगाती है तो उसका पातिव्रत धर्म नष्ट होता है, और वो पति को यदि नहीं जगाती तो अग्नि कुंड में गिर करके उसका बालक नष्ट होता था। पता है गोपी उसने क्या किया? हाँ बदलाव क्या किया? बोले पति को नहीं जगाया, उसका बालक अग्नि कुंड में चला गया,
और दो घंटे तक जलता रहा। दो घंटे के बाद जब पति की नींद खुली, अपने बालक को अग्नि कुंड में जब देखने गई, उसका बालक अग्नि में ऐसे किलोल करने लगा था जैसे चंदन में किसी बालक को गर्मी के समय डाल दिया हो। अच्छा, ये ताली किसने बजाई है? पतियों ने बजाई है, क्योंकि इनको पूजने का बहुत ज्यादा शौक है। करवा चौथ जब आती है ना, फिर देखो बेचारी माताओं का उस दिन चेहरा देखने लायक रहता है, और उस दिन ये पांच बार खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, गोपियों पति देव की व्रत के प्रभाव से उसका बालक जीवित निकला। गोपियां कहने लगी, कन्हैया जी हमको मत सुखाओ, दृष्टांत दृष्टांत हम भी जानते हैं। अब गोपियां सुनाती हैं भगवान कृष्ण को। बोले एक पतिव्रता स्त्री थी, उसका पति विदेश गया धन कमाने के लिए। पत्नी ने पतिदेव जी का फोटो रख लिया। पति के पहले फोटो की पूजा करती, अगर भोजन भी करती तो पति के फोटो के सामने लेकर जाती। जल भी पान करती तो पहले पति को दिखाती। ऐसा करते करते कई वर्ष निकल गए, और उस समय पति फोटो की, पत्नी फोटो की पूजा कर रही थी, और पति देव जी का आगमन हुआ। आवाज लगाई, बोले खोलो। अब गोपियां पूछने लगी, कन्हैया पहले फोटो की पूजा कर लेनी चाहिए कि पहले किवाड़ खोलने चाहिए, बताइए क्या करें? कन्हैया कहने लगे, जब सचमुच के आ गए, पति आ गए, तो फोटो की क्या पूजा करना। बोले हमारा उत्तर मिल गया आपको। अरे जो घर पर हमारे हैं वो तो हमारे फोटो हैं, सच्चे पति तो हमारे कन्हैया आप हैं, क्योंकि ऐसे बर को क्या बर है जो जन्मे और मर जाए। बरबरियों गोपाल को तो मेरो चोड़े लो अमर है जाए। ऐसे बर को क्या बरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सेलम, फिर पुनः मर जाए, फिर पुनः माता के गर्भ में आ जाए। कन्हैया समझ गए, किंचन मात्र भी इनकी ममता घर में नहीं है। कन्हैया से गोपियां कहने लगी, कितनी बार मना किया है कन्हैया, असमय पर बंसरी को मत बजाया करो, तुम्हारी बंसरी ने हमारा जीना मुश्किल कर दिया। हर तेरे मुरलियां ने जीना हराम कर दिया, तेरी मुरलियां ने हरे जीना हराम कर दिया, ओ तेरे मुरलिया ने जीना हराम कर दिया, तेरी मुरलिया ने एक नया जीना हराम कर दिया। आज कृष्ण रुक्मणी जी का विवाह है, और कल आपको लिफाफा दिए गए थे, आपके पास में झोली आ रही है, और जिनको लिफाफा ना मिले हों वो अपनी भेंट ऐसे ही डाल देंगे, सभी भेंट अपनी झोली में डालेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। हरे मुरली बन गई है बैरन, 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 इसने हर दिया मेरा मन, इसने हर दिया मेरा मन। सर सर रात जगाती है, भक्ति का मार्ग दिखाती है, सर सर रात जगाती है, भक्ति का मार्ग दिखाती है। मुरली बजा के मोहन तूने जादू तमाम किया, तेरे मुरलिया ने जीना हराम कर दिया, हराम कर दिया, हो जीना हराम कर दिया।
पसीना हरा कर दिया। श्री राम हे मुर्गी बन गई है नागिन, इसने डस लिया मेरा मन, उसने डस लिया मेरा मन। कोई खोई रहते हो, किसी से कुछ ना कहते हो। खोई खोई रहती हूँ, किसी से कुछ ना कहती हूँ। तेरे मुरलिया ने जीना हराम कर दिया, तेरी मुरलिया ने जीना हराम कर दिया। गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में, गोकुल की गलियों में मुझको बदनाम कर दिया। तेरी मुरलिया ने जीना हराम कर दिया, ओ जीना हराम कर दिया, ओ जीना हराम कर दिया, ओ जीना हराम कर दिया। मैं परवर श्री को मत बजाया करो। कन्हैया कहने लगे, गोपियों तुमने बड़ा सुंदर व्रत किया था, उस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे साथ में राश करने वाला हूं, लेकिन राश की स्वामिनी है श्री राधा। गोपाल सहस्त्रनाम में लिखा है, तस्मा ज्योतिर्भूतेदा राधा माधव रूपिकम। ध्यान रखना, राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। अच्छा, शरीर विलग है, आत्म ज्योति एक है। राधा भी अलग नहीं है, कृष्ण भी अलग नहीं है। इनको समझना थोड़ी टेढ़ी की रहे, ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आएगा। बड़े ध्यान से सुनना, ये भागवत में तो नहीं लिखी, लेकिन अंत अंतरंग संतों से सुनना। अच्छा, जैसे स्वर्ग में कौन रहता है? इंद्र इंद्राणी। ब्रह्मलोक में कौन रहता है? ब्रह्मा ब्रह्माणी। शिवलोक में कौन रहता है? शिव पार्वती। अच्छा, वैकुंठ में कौन रहते हैं? लक्ष्मी। ऐसी इन लोगों से एक ऊंचा लोक है, कौलोक धाम जिसको बोलते हैं, वहां पर नित्य राधा कृष्ण रहते हैं, नित्य राधा। तो जो गोलोक वासी कृष्ण ने जन्म लिया है सज्जनों, वो वृंदावन में नंद जी बाबा के यहाँ जन्म लिया, और जो नारायण कृष्ण बनकर के आए वो विष्णु भगवान वाले वसुदेव जी के यहाँ आए। तो वसुदेव जी जब पुत्र को लेकर के गए, उन्होंने देखा कि वहां दूसरा पुत्र लेटा हुआ, ये दोनों नारायण वाले और गोलोकवासी कृष्ण कुछ दिनों के लिए एक हो गए, बीच में बची माया, उस माया की पुत्री को लेकर के वसुदेव जी आए। और जिस समय अक्रूर जी लेने के लिए आए सज्जनों, उस समय जो नारायण वाले कृष्ण है वो तो चले गए, और हमारे गोलोक वासी कृष्ण तो आज भी वृंदावन में वास करते हैं, वो तो वृंदावन को कभी छोड़ करके ही नहीं जाते। उन्होंने तो कसम खाई है कि ब्रजवासी पल्लव सदा और मेरे जीवन प्राण इनको ना मैं विसारे हूं, मोहे नंद बाबा किया। वृंदावन मना प्रति चंपावतम एक गच्छति, मैं नंद बाबा की कसम खा करके कहता हूँ, वृंदावन को छोड़ करके तुम्हें एक कदम भी बाहर नहीं रख सकता। सज्जनों, हो सकता है भौतिक दृष्टि लेकर जाओगे आप तो टूटे फूटे मकान, गंदी नालियों के अलावा आपको शायद कुछ नजर ना आए, लेकिन अगर भक्ति का चश्मा आप आंखों पर लगा करके जाओगे तो वृंदावन के कण कण में आपको प्रिया और प्रीतम जो दिखाई देंगे। इसलिए तो वृंदावन में रुक्मणी, जिसलिए तो मंदिरों में रुक्मणी की स्थान नहीं है, मंदिरों में केवल राधा जी का स्थान है। क्यों? क्योंकि राधा जी के साथ हमारे गोलोकवासी कृष्ण का विवाह हुआ था। ये कथा गर्ग संहिता कृष्ण कथा में है। ब्रह्मा जी ने भांडेर वन में राधा का और कृष्ण का विवाह कराया सज्जनों।
सबसे अगर कोई परम तत्व है तो वो है राधा तत्व। गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी कहते हैं रा केवल सब, धा तो बहुत बड़ी बात है, धा आते ही तो विश्राम आ जाएगा, विश्रांति आ जाएगी। जीवन में व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, अगर राधा शब्द कह दिया उसका बड़े से बड़ा दुख दूर हो जाएगा। ये गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में पुष्टि की है। परम तत्व है राधा सज्जनों, इसको समझना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? क्योंकि राधा ने त्याग किया है, इसलिए आज राधा को मैं कहता हूँ कृष्ण का जितना लोग आदर नहीं से नाम नहीं लेते उतना राधा का नाम लोग आदर से लेते। क्यों? त्याग के कारण। किसी ने पूछा क्या त्याग किया है? अच्छा एक बात बताओ, वृंदावन और मथुरा की दूरी कितनी है? अगर पैदल भी चल करके जाओ तो एक घंटे लगेगा, और ज्यादा धीरे चलोगे तो डेढ़ घंटे। लेकिन राधा जी वृंदावन में बैठी बैठी रोती नहीं, कभी मथुरा नहीं गई मिलने के लिए कृष्ण। क्यों? क्योंकि प्रेम में देना होता है, प्रेम में लेना नहीं होता। सज्जनों हम प्रेम करके धोखा करते, प्रेम में समर्पण होता है। जिस समय मेरे कन्हैया जी विद्या अध्ययन करके आए, उस समय वृज की याद कर रहे थे, और कई ग्रंथों में तो ऐसा लिखा है कि द्वारका में भी राधा जी को याद करते थे। एक दिन रुक्मणी ने पूछा, प्रभु जब देखो उठते बैठते खाते सोते पीते जगते ये राधा 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 राधा, ये कौन है राधा? अरे रुक्मणी तुम क्या जानो राधा मुझसे कितना प्रेम करती है, हमसे ज्यादा, हाँ तुमसे ज्यादा। भगवान ने सोचा ये ऐसे विश्वास नहीं करेंगे, लीला करनी थी। बोले रुक्मणी ये बात छोड़ो, मेरे सिर में जरा दर्द हो रहा, किसी वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाया गया, वैद्य समझ गया भगवान क्या लीला करना चाहते हैं। बोले रुक्मणी जी भगवान का सिर दर्द विहार तुरंत ठीक हो जाएगा। कैसे? जो भगवान का भक्त है वो अपने चरण रज की धूली उठा करके भगवान के मस्तिष्क से लगा दे, तुरंत दर्द ठीक हो जाएगा। रुक्मणी जी पीछे हट गई, राम राम राम, मुझे नरक में जाना है क्या? सभी पत्नियों ने मना कर दिया, हमको नरक में जाना है क्या? नारद जी को भेजा गया, जाओ कोई भक्त की चरण धूली लेकर के आओ। अब नारद जिस भक्त की चरण धूली उठाते हैं वो कहता है नहीं नहीं भाई हमको नरक में नहीं जाना। पूरे ब्रह्मांड में ढूंढते ढूंढते अंत में श्री धाम वृंदावन में आए, और वृंदावन में क्या देखा कि राधा रानी एक वृक्ष के नीचे अपने सिर को झुकाए हुए मलिन वस्त्र है, झाड़ियों मोलच करके फट गए, रज से सनी हुई हैं, इर्द गिर्द गोपियां खड़ी हैं। एक गोपी पूछती है अरे राधे जिस दिन से तेरा सांसा तुझे छोड़ करके गया है उस दिन से तू ये वृक्ष को नहीं छोड़ा, तू ये यमुना की ओर क्या टकटकी लगा करके देखती है? राधा रानी कहने लगी मैं एक एक हलूर को देखती हूँ, पता नहीं कौन सी हलूर मेरे गोविंद का समाचार लेकर के आ जाए। नारद जी ने सोचा ये भक्त श्रेष्ठ लगती है। एक गोपी कहने लगी अरे राधे हम तो नित्य कृष्ण से मिलते हैं, आज स्वप्न में मैंने देखा। दूसरी कहने लगी मैंने भी देखा। राधा रानी कहने लगी तुम बड़ी भाग्यवान हो, तुमको कम से कम नींद तो आ जाती है। जिस दिन से मेरा श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके गया है उस दिन से मुझे रात्रि में नींद ही नहीं आई, और नींद आए तब तो स्वप्न दिखाई देगा। नारद जी समझ गए ये भक्त श्रेष्ठ है। पूरी कथा बतलाई, भगवान के सिर में दर्द है। राधा रानी ने तुरंत अपने चरण की रज उठा करके नारद जी के हाथ में थमा दी। नारद जी कहने लगे राधे अरे रौरव नरक से कोई बड़ा नरक होगा, उस नरक में तुमको सड़ना, तुम भगवान को अपनी चरण की धूली। राधा रानी कहने लगी मैंने प्रेम किया है कृष्ण से, और प्रेमी ये नहीं चाहता कि मेरी क्या गति होगी, लेकिन मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसका दर्द तो ठीक हो जाएगा। तू बर्ग ग्राम में जल जाऊं तेरा हूं तुझ में मिल जाऊं, अंजाम की जाने कौन खबर, दिल देके तकाजा कौन करे। इसलिए तस्मा चोतर भूतेदा राधा माधव रूपगम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गोपियों राधा रानी के बगैर तो राज संभव नहीं। अच्छा वृंदावन में आप जाते हैं और गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी गोवर्धन की परिक्रमा कब पूर्ण हो जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन राधा कुंड की परिक्रमा जरा ज्यादा लगती है, बड़ी कठिनाई पूर्ण होती है।
आप लोग गलत काम करते हैं। ब्रज में साम्राज्य किसका है? राधा रानी का। आप सर्वप्रथम राधा कुंड पर जाइए और राधा जी का पूजन कीजिए और परिक्रमा राधा कुंड से उठाइए। आपकी सात कोस की परिक्रमा कब निकल जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको थकानी नहीं होगी, क्योंकि साम्राज्य राधा रानी का है। आइए उधर गोपियों और भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को याद करते हैं। हम भी दो मिनट के लिए राधा रानी को याद करेंगे ताली सेवा करते हुए। हो कर दो बेड़ा पार राधे, हो कर दो बेड़ा पार राधे, अलवेली सरकार। हो कर दो बेड़ा पार राधे, अलवेली सरकार। हो राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। हो राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। हो कर दो कर दो बेड़ा पार राधे, अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे, अलवेली सरकार। राधे श्री हरे, श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना, बार बार श्री राधे हमको वृंदावन में बुलाना। आप भी आना संग बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी दर्शन देना बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी आना संग बिहारी जी से भी मिलवाना, आप भी आना देना बिहारी जी से भी मिलवाना। यही है विनती, यही है विनती बारंबार राधे अलवेली सरकार, यही है विनती बारंबार राधे अलवेली सरकार। नहीं जरा दोनों हाथ खड़े करते हुए, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार। तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका, तेरी कृपा से राधा रानी बनते हैं सबका, तेरी कृपा से राधा रानी। कृपा जो हो जाए तो बन जाए सबका, तेरी कृपा जो हो जाए तो बन जाए सबका। यही है विनती, यही है विनती बारंबार राधे अलवेली सरकार, यही है विनती बारंबार राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार, राधे अलवेली सरकार। कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार, कर दो बेड़ा पार राधे अलवेली सरकार। देखिए राधा रानी के भक्त यहाँ कौन कौन बैठे हैं, जरा हाथ खड़े कीजिए। राधा रानी के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के, हम हो गए राधा रानी के, हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाले के, ऊंचे बरसाने वाले के, ऊंचे बरसाने वाले के, ऊंचे बरसाने वाले के।
हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हमारो धुन राधा 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 जय राधा 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 राधा। हमारो धुन राधा 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 हमारो धुन राधा 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 राधा। हमारो धुन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धुन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धुन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धुन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धुन राधा 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 कृष्ण भगवान की। श्री राधा रानी आई और जितनी गोपियां थी उतने ही भगवान श्री कृष्ण हुए। एक एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण बनकर के राज करने लगे। अच्छा, राज का मतलब क्या? भगवान श्री कृष्ण जानते थे। एक कथा के बाद में करवाया करो ये सब। छह महीने तक भगवान श्री कृष्ण ने रास किया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, रास का आशय क्या है? भगवान श्री कृष्ण जानते थे गोपियां कभी भजन कर नहीं पाएंगे। आपके पास छह महीने पूर्ण होने के पश्चात एक एक गोपी अपने घर को लौट करके आई। नारद जी ने विचार किया, भगवान श्री कृष्ण यदि ऐसे ही लीला करते रहे तो कंस का वध कब होगा। नारद जी कंस के पास आए और जैसे ही कंस ने देखा, नारद जी को चरणों में लेट गए। कि जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चापल्यो ध्रुव पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नताश्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपका पदार्पण मेरे पास हुआ, जरूर मेरा कल्याण होगा। नारद जी कहने लगे, बड़े पहलवान बनते हो, बड़े बलवान बनते हो और दो बालकों की हत्या नहीं कर पाए। बोले क्या करें, जिसको भेजते हैं वो लौट करके नहीं आता। बोले भेजते क्यों हो, बुलवाते क्यों नहीं? अक्रूर जी को लेने के लिए भेजा। अब ध्यान देना, भागवत में लिखा है कि अक्रूरो पिचताम रात्रि मधुपुरी महामते उषत्वा रथमस्थाय प्रायो नंद गोकुलम। अच्छा, संध्या वेला के समय मथुरा से चले और पहुंचे कब? सुबह होते होते। अगर मथुरा से वृंदावन पैदल भी जाएंगे तो एक घंटे लगेगा, लेकिन 12 घंटे इनको कहां लगे? बोले चिंतन करने में। और ध्यान रखना, जो व्यक्ति चिंतन करता है उसको परमात्मा मिलता है और जो चिंता करता है उसको जगत मिलता है। चिंतन से हमारा हार्ट मजबूत होता है और चिंता से हमारा हार्ट कमजोर होता है। जिस व्यक्ति का चिंतन श्रेष्ठ है वो भले ही आम खो में बैठा है, आम खो में बैठे बैठे बिहारी जी का दर्शन यहीं कर लेता है, जिस व्यक्ति का चिंतन श्रेष्ठ है।
अक्रूर जी चिंतन करते जा रहे हैं कृष्ण बलराम को वृंदावन से लेकर के मथुरा आए। मथुरा में कंस ने डोरा पिटवा दिया कि कोई कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, कोई कृष्ण का सम्मान नहीं करेगा, कोई कृष्ण को देखने के लिए नहीं आएगा। लेकिन एक माली था, कंस को नित्य माला पहनाता था, आज उसने कृष्ण को देखते ही माल्यार्पण किया। मथुरा वासियों ने कृष्ण का स्वागत किया। कोई फूल से स्वागत करता है, कोई पुष्प गुच्छ से करता है, कोई इत्र का छिड़काव करता है, कोई गुलाब जल का छिड़काव करता है, कोई साल श्री फल से स्वागत करता है, कोई चंदन रोरी तिलक गुलाल लगा करके स्वागत करता है। सखा कहने लगे लाला अरे भैया हमें अगर पहले पतो हो तो ऐसो गजब को स्वागत होगा तो हम भी अपनी नई वारी ड्रेस पहन के आते। अब भैया तू तो दूल्हा लग रहा हो लेकिन हम तो अच्छे ना लग रहे, तो एक काम कर हमको वस्त्रों की व्यवस्था कर। एक कंस के धोबी थे, कन्हैया ने कहा मामा जी हमारे सखन को वस्त्र दो, कन्हैया को मारने आया, एक तमाचा लगा एक में राम नाम सर, बोले जिसको जो ड्रेस अच्छी लगे वो धारण कर लो। अब कंस है लंबे चौड़े, सखा है छोटे छोटे, जिसने पाजामा पहन लिया उसे कुर्ते की जरूरत नहीं और जिसने कुर्ता पहन लिया उसे पाजामे की जरूरत नहीं। सखा कहने लगे भैया इनमें तो काक भगोड़ा से दिख रहे हैं, एक काम कर तो इनको हमको हिसाब के सिलवा दे। पहले की जो संस्कृति थी वो बड़ी मीठी थी, आजकल की तो ड्रेस ही समझ में नहीं आती। पहले अगर थोड़ा सा भी कपड़ा इतना सा भी फट जाता था तो उसको पहनते नहीं थे, अब नए कपड़े पहन करके पहले फाड़ते हैं फिर पहनते हैं। पता नहीं कौन सी ड्रेस पहनने लगे लोग। अच्छा जितनी सुंदर कुर्ता धोती लगते हैं उतनी सुंदर कुछ लगता है क्या? हमारी पुरानी संस्कृति, उन अंग्रेजों को देखो, प्रत्येक अंग्रेज धोती कुर्ता हुआ पहने मिलेगा। अच्छा वो संस्कृति पैंट जींस उनकी है और हमारी संस्कृति है धोती कुर्ता, लेकिन हमारी संस्कृति को वो अपना रहे हैं, उनकी संस्कृति को हम अपना रहे हैं। अगर अंग्रेज दुकान पर भी बैठे हैं ना, दुकान भी चला रहे हैं तो एक हाथ में माला जोली है, और हम अगर दुकान पर भी बैठे हैं और दुकान भी चला रहे हैं तो एक हाथ में या तो सिगरेट है या पाउच है और या फिर बाटल है। हम कथा में भी बैठे हैं तो कई श्रोताओं को मैं देखता रहता हूँ पांडाल में सोट के आराम से वहां सिगरेट पी करके फिर दोबारा बैठ जाते हैं, और कई लोग तो आराम से पाउच फाड़ करके कथा में। कथा किसके लिए होती है? व्यसन मुक्ति के लिए। अगर व्यसनों का आपने त्याग कथा के बीच में भी नहीं किया तो कथा का क्या मतलब सज्जनों? मैं कहता हूं अपने घर के खर्चे की कटौती करके कोई पुण्य मत करो, कोई दान मत करो, लेकिन एक साधारण से साधारण मजदूर जो 100 रुपया पर डे कमाता है वो 20 रुपए की बीड़ी पीता है, वो 20 रुपए की सिगरेट या पाउच खाता है। मैं कहता हूं आज भागवत के समक्ष संकल्प लेगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं पाउच नहीं खाऊंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, और जो बीड़ी में खर्च होता था, जो सिगरेट में खर्च होता था, जो पाउच में खर्च होता था, वो किसी दान पात्र में एकत्रित करूंगा, किसी गुड़लक में एकत्रित करूंगा, और जब वो गुड़लक भर जाएगी किसी गौशाला में दान दे करके आऊंगा। तुम्हारे घर के खर्चे की कटौती नहीं है सज्जनों, तुम्हारे व्यसनों की कटौती का दान है। गौ माता तुमको आशीष देगी। व्यसनों का कुछ ऐसी कुरीतियां आ गई हमारे पाकलोल से, जो लक्ष्मी कुमार जी यादव पाकलोल वाले ये परसों मेरे पास आए, बोले महाराज जी एक हमारी मुहिम चल रही है खर्च बंद करने की, मुझे समझ में नहीं आती है। यादव समाज में एक और मैंने विशेष देखा, तीसरे दिन क्या पनौती बोलते क्या बोलते हैं,
तीसरा जो होता है उस दिन और इतने लोगों का भोजन रखा जाता है, एक खर्च उस दिन हो जाता है। बचाओ परिवार बेचारा रो रहा है, वो कष्ट में है और रोते रोते हाथ जोड़ करके ये भी आग्रह कर रहा है भाई भोजन करके जाना। कितनी शर्म की बात है, जिस परिवार के ऊपर इतना इतना पहाड़ टूटा है, आप उसके घर का भोजन कर कैसे लेते हो? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मैं तो कहता हूँ तेर भी होती उस दिन भी भोजन करना बंद करना चाहिए। जब हम भोजन नहीं करेंगे अपने आप लोग खर्च नहीं रखे, जब भोजन ही कोई नहीं करेगा बना रखा रहे, घूमने जाओ सम्पत्ति पूरी रखो, जो तेरे का कार्य है ब्राह्मणों को जिमाना पूर्ण करो, गंगा जी जाओ, धर्म पुण्य दान पिंड दान सब कुछ करो, लेकिन खर्च बिल्कुल बंद होना चाहिए। ये खर्च का प्रचलन कब चला? पहले ट्रेनों का साधन नहीं होता था, फोन का साधन नहीं होता था, बसों का साधन, तो निमंत्रण था कि उस व्यक्ति के नाम से ना भेजे जाए जो वैक्स पार हो चुका, ये उस समय की प्रथा थी। अब तो प्रत्येक व्यक्ति को पता होता है कि वो वैक्स पार हो गया, अब उसके नाम से निमंत्रण ना दिया जाए, ये कुप्रथा अभी भी चली आ रही है। कल हमारे मंत्री जी बतला रहे थे, किसी के यहाँ सत्यनारायण की कथा हुई, साले जी अलग कपड़ा ला रहे हैं, बहनों जी अलग कपड़े ला रहे हैं और भौपा जी अलग। अच्छा वो कपड़ा भी ठीक है तो मान लो वो एक 50 रुपए वाला पाउच अलग चलता है जिसमें आधा पेंट आधी शर्ट, ना उसको मंत्री जी को पहनना, ना मंत्री जी को साले को पहनना, ना मंत्री जी के बहनों को पहनना, ना उनके, वो बेचारा पैकेट घूमता ही रहता, उन्होंने उनको तिलक लगा दिया, उन्होंने उनको तिलक लगा दिया, बेचारे का पूरा जीवन। अरे ऐसा क्यों करते हो? वो पेंट शर्ट भी गए, जैसा मुझे तुम घुमा रहे हो वैसे मैं भी तुमको एक ना एक दिन घुमाऊंगा। कुरीतियां चल रही, क्या होता है तिलक लगाने से? खर्च कम से कम होना चाहिए, अकारण के खर्च क्या मतलब है? इन पर प्रतिबंध लगना चाहिए प्रेम से, और जो 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 खर्चा करना चाहिए वो हम लोग करते नहीं। किसी दुकान पर मैं बैठा था, एक व्यक्ति अपने पुत्र की शादी के चढ़ाव खरीदने गया, मैं मेरा संयोग से वहां बैठना हुआ दुकान पर, तो किसी ने कहा कहां से शुरुआत की जाए, बोले पहले मंदिर में ठाकुर जी को वस्त्र दिए जाए, तो उन्होंने बढ़िया 5000 के ठाकुर जी को वस्त्र, अरे वो मंदिर में देना है? शेठ जी कहने लगे ये मंदिर के ही तो वस्त्र, अरे गांव के मंदिर में? हाँ बोले ये गांव के मंदिर के, मुझे पता है कितनी बड़ी ड्रेस आती है सिलवा करके मैंने रखी। अरे बोले कोई और सस्ते दो, सुबह 5 रुपए मीटर का जरी का। हाँ बोले ये ठीक है। अब उसने उसी हिसाब से साड़ियां बतलाई, कभी 500 रुपए वाली, कभी 1000। बोले इससे महंगी तेरी पास साड़ी नहीं है? बोले महंगी तो 50। बोले बोला मेरे पुत्र की बहू ये पहनेगी सबसे महंगी साड़ी, बहू जो ज्यादा से ज्यादा एक दो बार पहनेगी 50,000 रुपए आपके बेकार हो जाएंगे, वो 50,000 आपको महंगे नहीं लग रहे, और ठाकुर जी के आपको 5,000 के वस्त्र भी महंगे लग रहे थे। ये मनस्थिति हमारी और आपकी है, और फिर कहते हैं हम सुखी रहे। मैंने एक दिन इशारा किया था हम भगवान को रिजेक्टेड वस्तु चढ़ाते हैं, और गीता में भगवान कहते हैं जो जितना तन्मय होकर के मेरी भक्ति करता है, तन्मय होकर के मैं उतने उसके कष्ट दूर करता हूँ, और जो जितने आलस्य से मेरी भक्ति करता है आलस्य से ही मैं उसकी सुनता हूँ। जब भी हम वस्त्र पहने एक ठाकुर जी को वस्त्र जरूर लेकर के आए, और हमसे महंगा हमारे ठाकुर जी का वस्त्र होना चाहिए, हमसे सुंदर। अगर घर में संत डोंगरे जी कहा करते थे हमारे घरों में अगर हमारे घर के ठाकुर जी चमकते रहेंगे तो हम भी चमकते रहेंगे, ध्यान रखना, और हमारे ठाकुर जी पर धूल लगी होगी तो हमारे जीवन में भी जंग लग जाएगी, ध्यान रखना। कई घरों में तो मैं देखता हूँ ठाकुर जी बेचारे निर्वस्त्री बैठे रहते, और घर में 99% झगड़ा तो नहलाने की वजह से होता, और जैसे तैसे कोई नहलाता ही, इतने बड़े भगोने में पानी भरा, उसी में गरुड़ जी, उसी में गोपाल जी, उसी में गणेश जी, कहीं गणेश जी का हाथ फ्रैक्चर, कहीं गोपाल जी का गड्ढ बड्ड किए और उठा करके रख दी, और एक रोली की डिब्बी में डाली, और संयोग से चाहे यहाँ लग जाए, चाहे यहाँ लग जाए, चाहे यहाँ, बस हो गई पूजा।
भोग तो मुश्किल है अगर किसी के घर में लगता हो तो, क्योंकि भगवान मानते ही नहीं है। आप तो उसको उसको पीतल की मूर्ति मान करके, और पीतल की मूर्ति से कुछ मिलने वाला नहीं है जब तक ठाकुर जी को तुम ठाकुर जी नहीं मानोगे। वृंदावन में देखो, अगर सर्दी है तो सिगड़ी जला करके रखते हैं, गर्मी है तो ठंडा कूलर रखते हैं, वस्त्र भी पहनाने का विधान है, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, बुधवार को हरा, गुरुवार को पीला, शुक्रवार को नीला, शनिवार को काला, रविवार को पिंक, या ये वस्त्र पहना का। सखा कहने लगे, लाला हम तो इनमें ठीक नहीं लग रहे। तो भगवान का एक भक्त था, उसने बराबर के वस्त्र से ले, भगवान के पास देने लायक कुछ था नहीं, अपनी मुद्रिका निकाल करके देने लगे। वो भगवान का भक्त था, प्रभु मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ? बोले चिंता ना करो, अभी नहीं ले रहे कोई बात नहीं है, कलयुग में मेरा आशीर्वाद है, तुझे कोट पैंट की सिलाई 2,500 रुपए मिलेगी। बोले लाला वस्त्र तो सुंदर लग रहे हैं, पर माथे पर तिलक और होता, चंदन और होता। आजकल लोगों को तिलक लगाने में शर्म आती है, कोई क्या कहेगा भगत जी? तिलक क्यों लगाया जाता पता है? पाप इस जगह से प्रवेश करते, माता इसी जगह पर बिंदी लगाती है, पाप इस जगह से प्रवेश करते हैं, और जिसकी माथे पर तिलक लगाए वो समझते हैं भैया खतरे का निशान है, इसके अंदर प्रवेश मत करो। पर लोगों को आजकल तिलक लगाने, बाटले भले ही 10-10 लेकर के चले जाए, कोई शर्म की बात नहीं, कोई संकोच की बात नहीं, हमारी संस्कृति है तिलक। सखा कहने लगे, लाला बस माथे पर तिलक और होता। एक कुबजा टेढ़ी गली से जा रही थी, मेरे कन्हैया की दृष्टि पड़ी, कंस देवी सुंदरता चंदनो हनुलेपने। ए सुंदरी हमको चंदन नहीं लगाओगे? जैसे कुबजा से सुंदरी कहा, कुबजा तिरछी नजर से देखने लगे। दुनिया के लोग मेरा उपहास करते हैं, दुनिया के लोग मेरा मजाक उड़ाते, लेकिन मैंने सुना है कृष्ण किसी का उपहास नहीं करता। भगवान कहने लगे, नहीं देवी, अंदर से तुम सुंदरी हो, इसलिए मैंने तुमको सुंदरी कह दिया, मैं बाहर की सुंदरता पर नहीं जाता। चंदन जैसे लगाया, मेरे गोविंद ने उसके पैर पर अपना अंगूठा रखा, और जैसे ही जोड़ी से हाथ लगाया, कुबजा को सर्वांग सुंदर बना दिया। प्रभु जब आपने सुंदर बना दिया तो उसका उपभोग भी आप करें। बोले जरूर हम आएंगे कभी आपके घर। रणभूमि में जाते हैं, मुष्टिका चाणूर तैयार खड़े हैं, कुबलिया पीड़ हाथी जिसमें 10,000 हाथियों का बल है। भगवान मुष्टिका चाणूर का वध करते हुए, कुबलिया पीड़ हाथी का वध करते हुए 6-7 दरवाजे के अंदर कंस बैठा है। कंस काम का प्रतीक है, अविद्या मर जाती है, अहमता मर जाती है, ममता मर जाती है, राग मर जाता है, द्वेष मर जाता है, लेकिन काम का सबसे अंत में जाकर के मरना होता है। 6 दरवाजों के बड़े बड़े पहलवानों का वध करते हुए 7वें दरवाजे में पहुंचे, कंस माला झोली लेकर के बैठा है। नारद जी से पूछ लिया था कैसा होगा, बोले काला काला होगा, मुरली वाला होगा, और जिस दिन से सुनाया उस दिन से तो अगर दाल में जीरा भी दिखाई पड़ता है तो दाल को उठा कर काला काला, भयभीत है। अगर अगर दीपक बुझ काला काला बंसी वाला आ गया। मैंने एक दिन इशारा किया था, कामी हमेशा डरता है, क्रोधी हमेशा डरता है, लोभी हमेशा डरता है, और जो सतोगुणी है उसको कभी डर नहीं लगता, वो तो जहां जाता है वह आनंद से रहता है, क्योंकि सतोगुण की मात्रा उसके अंदर है, भजन की मात्रा उसके अंदर है। मेरे कन्हैया ने कंस के केशों को पकड़ करके नीचे घसीट लिया। आकाश मंडल के देवता लोग प्रार्थना करने लगे, प्रभु शीघ्र कर, संध्या वेला का समय निकलने वाला है, और कहीं संध्या वेला का समय निकल गया तो इसका वध करना असंभव हो जाएगा। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। आकाश मंडल के देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बोली द्वारकाधीश भगवान की, अपने माता पिता को बंधनों से मुक्त कराया, नाना जी को छुड़ाया, मथुरा की राज सिंहासन पर अग्रसेन जी को बिठाया, सखाओं को वृंदावन भेजा, उज्जैन सांदीपन आश्रम में पढ़ने के लिए गए, द्वादश प्रकार की विद्या का अध्ययन किया, लौट करके आए, वहां सुदामा नाम के मित्र से मित्रता हुई, जो कि कल की कथा में वर्णन आएगा।
द्वारकापुरी का निर्माण कराया, मथुरा वासियों को उसमें प्रविष्ट कराया, मुचकुंद का वध किया, रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हो गया। अब कन्हैया कहने लगे, जैसे तैसे तो हमारे सगाई संबंध वाले आवे, लेकिन पिछले रिकॉर्ड देख करके सब भाग जावे, क्योंकि पिछला रिकॉर्ड अपना ठीक नहीं है। अच्छा, एक प्रश्न आजकल ज्यादा आता है, महाराज जी देखो तो सही, हम दोनों में झगड़ा क्यों होता है, उसका कारण क्या है पता है? पहले जो विवाह होते थे वो ब्राह्मण के अनुसार होते थे, गुण बरग मिला करके होते थे। आजकल गुण बरग कोई नहीं मिलाता, आजकल पता है कौन से गुण बरग मिलते हैं? हमारे पास भी पद, उनके पास भी पद, एक गुण मिल गया। हमारे भी फोर व्हीलर, उनके भी फोर व्हीलर, दो गुण मिल गए। हमारा भी सिटी में मकान, उनका भी सिटी में मकान, तीन गुण मिल गए। ये गुण मिलने चाहिए, वो गुण तो फिर वो मिला ही लेते हैं। पर रुक्मणी को देखो, रुक्मणी ने एक ब्राह्मण को बुलाया और पत्र लिखा। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को खोल करके पढ़ा, उसमें क्या लिखा था पता है? श्रोत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवण तामते। रुक्मणी लिखती है, प्रभु प्रथम तो मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपके रूप, आपके गुण, आपकी यश, आपकी लीला श्रोत्वा, इसको मैं सुन चुकी हूँ। अपनी बात कहती हूँ, विवाह से दो दिन पहले कुंडलपुर में पूजा के लिए जाया जाएगा, उस समय आपकी प्रतीक्षारत रहूंगी। आप आए तो ठीक और नहीं आए तो ठीक, आए तो आपके साथ चलूंगी, नहीं आए तो प्राणों का परित्याग कर दूंगी। धीरे धीरे करते करते वो समय आया, कुंडलपुर में पूजा करने के लिए जाती है। कि कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमा। हे माँ, हे परात्पर, हे जगदम्बा, अगर हमारी पूजा से आप संतुष्ट हो तो कृपया करके नंद का लाला हमको लेने के लिए आए। उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारका से तैयार होकर के आते हैं और इधर रुक्मणी प्रतीक्षा करने लगे हैं कुंडलपुर में। एक ही प्रार्थना करती हैं, अरे कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से भी काम लो, बनो ना कठोर थोड़ी दया से मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, सांवरिया कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। बोलिए रुक्मणी कृष्ण सरकार की। पहले रुक्मणी और कृष्ण का माल्यार्पण होगा, तत्पश्चात हम विवाह का आनंद लेंगे और देखो गई।
बोलिए रुक्मणी कृष्ण सरकार की, रुक्मणी कृष्ण सरकार की। हमारे मंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी जी यही मंच पर पांव पकड़ी करेंगे और बाकी सब फिर नीचे पांव पकड़ी का कार्य। मास्टर जी गोविश पत्नी यहाँ पर मंच पर आ जाएं पांव पकड़ी के लिए, आज कन्यादान वो भी लेंगे। प्रेम से कहिए श्री राधे। हो मोहे अपने, हो मोहे अपने, हो मोहे अपने तू दुल्हन बन। जाए किसी की नजरिया, लगना जाए किसी की नजरिया। अब दुआ करके दुआ करके उसको लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मुझे अपने तू दुल्हन बना दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, दीवानी 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 बना ले, जब तेरी दीवानी हुई मैं, जब तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई रात से। मार साहब, मार साहब, दहेज में जो दिया है तो कुछ नहीं, कहाँ दिया? सोफा, टीवी, कुछ तो नहीं दे रहा, फोर व्हीलर, चार व्हीलर, ठीक है, चेक देंगे, ठीक है, मंत्री जी ने बोल दिया चेक मिलेगा। सौंप दिया तुझको रे तन मन, सौंप दिया तुझको रे तन मन। गुरुदेव, आजकल आपको पता है कि नोटबंदी हुई है, जब से कैश नहीं रख सकते इसलिए हमने चेक रख दिया है, वो भर लेना आप तो जितना भर सको, जितना भरना हो उतना भर लेना। सौंप दिया तुझको ये तन मन, सौंप दिया तुझको मेरा मन, सौंप दिया तुझको ये तन मन, सौंप दिया तुझको मेरा मन, तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुझको तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन। अब दुआ करके, अब दुआ करके, अब दुआ कर गले से लगा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, 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 बना दे शाम तेरी दीवानी हुई। बोलिए रुक्मणी। अब हमारे रुक्मणी कृष्ण को वहां ले जाएंगे और पांव पकड़ी का क्रम चलता रहेगा, भजन का एक
भजन और विवाह का गाते हुए तत्पश्चात हम लोग आरती करें। और देखिए शर्मा LIC भोरा वाले ये सभी समिति के हमारे विनोद जी शर्मा रतवास वाले सभी सदस्य आए हुए हैं। हमारे लक्ष्मी नारायण जी उनका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे राकेश जी ब्राइट मॉडल स्कूल तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे 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 तू न गए तू नहाजा दिलदार सांवरे तू बना सा दिलदार सांवरे तू न गए दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया सजाता रहे वो हर बार सांवरे सजाता वो हर बार सांवरे सजाता रहे वो हर बार सांवरे सजाता रहे सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार मस्तक पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया 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 मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया हाँ महक तारे दरबार सांवरे दरबार सांवरे महक तारे दरबार सांवरे महक तारे दरबार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे श्रृंगार सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं ए नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे 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 तेरा
किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे तेरा, किसने किया श्रृंगार सांवरे 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 कल पूर्ण आहुति है और लगभग 12 बजे पूर्ण आहुति होगी। जो 9 दिन नहीं आ पाए वो 9 दिन का फल एक दिन में ही प्राप्त हो जाएगा आप सबको। सबके तरफ से मेहनत मैं कर रहा हूं। जो ये हो रहा है जो केवल मेरे लिए नहीं हो रहा और मैंने इस वर्ष कुछ नहीं मांगा। ब्राह्मण कहते हैं जब हाथ में संकल्प लेवाते हैं तो वो कहते हैं जो मन में कामना हो वो मांग लो, उसको संकल्प लेकर बैठो। और मैं साक्षात ईश्वर के सामने कहता हूं कि मैंने संकल्प न केवल यही मांगा कि सब लोग सुखी रहे, सब लोग खुशी रहे। मुझे तो बिन मांगे ही सब कुछ दे दिया है, बिन मांगे ही दे दिया। तो मैं तो सबके लिए मांगता हूं कि सबका भला करना ईश्वर, मेरा नहीं, पहले दूसरों का भला करना, बाद में मेरा भला करना। तो कल विवाहों का वर्णन होगा, सुदामा चरित्र कथा और कल वृक्ष की होली उत्सव होगी। बड़े धूमधाम से हमारे मंत्री जी ने बहुत फूलों की व्यवस्था की है। वृज में जो होली का आनंद आपको मिलता है वही का वही आनंद आपको यहाँ आम खो में कल मिलने वाला है। तो फूल होली का आनंद लेना ना भूले, कल बहुत आनंद आने वाला है। प्रेम से कहिए कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बांके हर बांके है बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 आरती गाओ प्यारे तुम पर जाओ, आरती गाओ प्यारे तुम पर जाओ, बांके बांके अर बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे मेरा मन मोहे प्यारी बंसी मेरा मन मोहे, देख देख और देख छवि पे मैं बल बल जाओ, देख छवि पे मैं बल बल जाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, ओ नो ए ओ नो अरे
उन चरणों को मसीह झुकाओ, उन चरणों में शीस झुकाओ, बांके बिहार तेरी आरती गाओ। दशवनाथ के नाथ आप, दशवनाथ के नाथ आप, दशवनाथ के नाथ आप, सुख दुख जीवन साथ आप, सुख जीवन साथ आप, सुख दुख जीवन साथ आप। प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, चरणों में मैं मन को लगाओ, प्रभु चरणों में मन को लगाओ, बांके बिहार तेरी आरती गाओ, बांके बिहार तेरी आरती गाओ। हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धर हो, मोहन जीवन धर हो, मेरे मोहन जीवन धर हो। प्यारे मैं प्यारे और प्यारे छवि पे मैं बल बल जाऊं, प्यारे छवि पे मैं बल बल जाऊं, बांके बिहार तेरी आरती गाओ, बांके बिहार तेरी आरती गाओ, 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 तेरी आरती गाओ। बोले वृंदावन बिहारी इष्टानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नः तेन गम महिमानः शचन्द्र यत्र पूर्वे शाध्या शुवन्ति पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया धत्तो ग्रहाणां परमेश्वरः श्रीमत् भागवत महापुराण तेलुगु मंत्र पुष्पांजलम समर्पयामि। बोली भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो, श्री अयोध्या राम जी लला की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, श्री पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्री गौ माता की जय हो, श्री गौ माता की जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।